Bismillahir Rahmanir Rahim. Today I'm going to explain you how we will make an initial blasting setup. So this is the compressor. ये आप देख लें, इस तरह का compressor होगा और इसकी जो है earthing जो है लगानी है आपने. earthing जो है इसमें मस्त है और earthing के बाद जो चीज़ इसमें important है या जो check करनी चाहिए, अगर आप inspector हैं, inspection आप कर रहे हैं तो इसके अंदर आपने चेक करना है, देखना है. यहाँ पे आपका वाल्व रहेगा, इस तरह का वाल्व का टैग वगैरह चेक करना है. चेक करने के बाद आपका कंप्रेसर हो गया ये. उसके बाद ये कपलिंग है, इसमें वाल्व होते हैं. ये कपलिंग है, कपलिंग के साथ ये वेप अरेस्टर है. ये जो अब इसके साथ जब वाल्व कनेक्ट होता है तो वेब अरेस्टर इसको बोलते हैं, ये लगाया जाता है. ये हर मंथ का जो है एक सेफ्टी कलर कोड होता है, सेफ्टी कलर कोड हम इसके साथ ऐड करते हैं. ये होस डायरेक्टली जो है ये कनेक्ट होता है हमारा जाकर एयर रिसीवर के साथ. एयर रिसीवर के साथ भी सेम इसका ये कनेक्शन है, वेब अरेस्टर इसके साथ होता है और इसकी कपलिंग जो है ये आपस में एक दूसरे के अंदर ग्रिप की होती है, फिक्स्ड होती है. एयर रिसीवर के अंदर जो चीज़ चेक करने की होती है वो ये स्टैम्प है एक, इसको एसबी की स्टैम्प कहते हैं. एसबी की स्टैम्प इस पर होनी चाहिए और इसका हाइड्रो टेस्ट जो है होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए. हर साल इसका जो है हाइड्रो टेस्ट होता है. ये इसका इनलेट वाल्व है जो कि डायरेक्ट आ रहा है क्या, कहाँ से, कंप्रेसर से. कंप्रेसर से डायरेक्ट कनेक्ट होता है एयर रिसीवर टैंक में. एयर रिसीवर टैंक में आगे छोटे आउटलेट हैं, एक ये आउटलेट जो जा रहा है ये सीधा आपका एयर फिल्टर में जा रहा है जो कि आगे ब्लास्टर है. ब्लास्टर को उसके हुड में जाके एयर प्रोवाइड करता है और प्योरीफाई करता है ये आपका एयर फिल्टर जो है. दूसरा इसका एक आउटलेट है, ये सेम ये वाल्व है, अभी ये क्लोज है. ये इसका वेप अरेस्टर है, इसका ये कनेक्टेड है. ये सीधा जा रहा है आपका ब्लास्टिंग पार्ट के अंदर, यहाँ से एयर रिसीवर टू ब्लास्टिंग पार्ट. अभी ब्लास्टिंग पार्ट के अंदर ये यहाँ से ये कनेक्टेड है ब्लास्टिंग पार्ट से आगे. ये ब्लास्टिंग पार्ट की शेप हो गई है. ये मॉइस्चर ट्रैप है इसका, अगर मॉइस्चर हो जाता है लाइन में तो यहाँ से ये ड्रॉप आउट हो जाएगा. इसका नंबर वगैरह ब्लास्टिंग पार्ट का जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे मेंशन होंगी. और ये वाल्व है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये वाल्व है. इसको माइजर वाल्व कहते हैं या ग्रिट वाल्व कहते हैं. यहाँ से इसको कम या ज़्यादा करते हैं, खोलते हैं या बंद करते हैं यहाँ से, ठीक है. और गार्नेट कम या ज़्यादा यहाँ से होते हैं. जब भी हम ब्लटर टेस्ट परफॉर्म करते हैं और तो ब्लटर टेस्ट के लिए इसको हमने यहाँ से क्लोज करना है. सेम इसी तरह ये होस और ये होस सीधा जाके ब्लास्टर के हाथ में जाता है. ये गार्नेट का बैग है. तो ये इनिशियल सेटअप है जो कि ब्लास्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, ब्लास्टिंग के लिए बना होता है. ये कंप्रेसर फर्स्ट कंप्रेसर, देन अ होज इज कमिंग इनटू द एयर रिसीवर टैंक. फ्रॉम एयर रिसीवर टैंक इट इज़ डायरेक्टली गोइंग टू ब्लास्टिंग पॉट एंड वन होज इज गोइंग टू एयर फिल्टर. दिस इज द सेटअप फॉर द ब्लास्टिंग. एंड वेयर इज द ब्लास्टिंग होज, लेट मी चेक. ये ब्लास्टिंग होज है उसका मेन पॉइंट, दिस वन. दिस इज कॉल्ड डेड मैन हैंडल. ये डेड मैन हैंडल है, डेड मैन हैंडल ये ब्लास्टर के हाथ में रहता है. और दिस इज द नोजल, ब्लास्टिंग नोजल है ये ब्लास्टिंग नोजल, डेड मैन हैंडल जो ब्लास्टर के हाथ में रहता है और यहाँ से ब्लास्टिंग होती है. ये हमारा ब्लास्टिंग का इक्विपमेंट हो गया, इस तरह का सेटअप होता है. उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी. आप जो लोग कोटिंग से रिलेटेड हैं उनके साथ इसको शेयर करें
उनके नॉलेज के लिए और उनको एक्सप्लेनेशन में मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।